भोपाल में प्रदेश की पहली सबसे बड़ी रसोई अक्षय पात्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसका उद्घाटन 25 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। अक्षय पात्र फाउंडेशन की ये 66वीं और मध्य प्रदेश की पहली रसोई होगी, जिसके माध्यम से रोज लगभग 50,000 बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराया जाएगा। भोपाल में प्रदेश की सबसे बड़ी रसोई का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। यह रसोई अक्षय पात्र फाउंडेशन, HEG, स्कॉन और सरकार के सहयोग से काम मिड डे मील तैयार करेगी। यह देश की 66वीं और प्रदेश की पहली रसोई है। इस अक्षय पात्र रसोई से PM पोषण कार्यक्रम के तहत रोज लगभग 50,000 बच्चों को मिड डे मील परोसा जाएगा। कैसे काम करेगी यह रसोई, कैसे बनाया जाएगा यह खाना, यह जानने के लिए हमारी एडिटर शेफाली गुप्ता ने बात की अक्षय पात्र जनसंपर्क प्रबंधक वीरेंद्र सिंह से। वीरेंद्र जी, जो आप ये किचन दिखा रहे हैं, आपने दिखाया है कि इस साइड से वेट किचन है और इस साइड आपका ये वेट किचन है और ड्राई किचन है। क्या क्या आप इसमें करते हैं रेडी? देखो, वेट किचन के अंदर जैसे हमारा दाल है, राइस है, सब्जी है, वो वेट किचन में पूरा बनता है। ड्राई किचन एरिया के अंदर अपना रहता है चपाती है, पूड़ी है, वैसे दो। कितने बच्चों को आप यहाँ से भोजन उपलब्ध करा रहे हैं? इस किचन का जो कैपेसिटी है वो 50,000 का है, जो 50,000 मील हम लोग 6 घंटे में कुक कर सकते हैं। भोपाल में स्कूलों में एनरोलमेंट है 48,000 और 3,000 बंडीदीप में है, तो ऐसे 51,000 एनरोलमेंट है। एक्चुअल अटेंडेंस जो गवर्नमेंट का स्कूलों में रहता है वो हमारा 70-75% रहता है, तो एक्चुअल मील यहाँ से जो कुक होके जाएगी वो 38,000 अप्रोक्स कुक होके यहाँ से जा रही है। कितने वर्कर्स इस वक्त आपके साथ इस अक्षय पात्र भोपाल की किचन में काम कर रहे हैं? भोपाल की यूनिट में जो हमारे वर्कर्स हैं वो 150 के ऐसा, जिसमें एडमिन है, किचन स्टाफ है, हेल्पर है, ड्राइवर है, 150 का स्टाफ हमने इस यूनिट में। हाइजीन का ध्यान किस तरह से रखते हैं, क्योंकि बाहर से जब लोग खाना बनाने आते हैं, एक्चुअली खाना बनाने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? जो शॉप फ्लोर पर खाना बनाने वाले जो स्टाफ है वो है 72, और उनका हाइजीन का उनको एक ट्रेनिंग होता है हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट से। साथ में जब वो किचन में एंटर करते हैं तो जैसे बैंगल्स हो गए, उन पे कवर होना है, है ना, हेयर नेट पहनना है, और जो स्लीपर्स है वो रिमूव करके गमबूट पहनना है, ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो तभी किचन में एंट्री होती है और उसको काम करते हैं। अच्छा, खाना जो है मिड डे मील में बच्चों के लिए पोषण के लिए आप लोग दे रहे हो, तो पोषण का ध्यान किस तरीके से रखते हैं और कौन एक्सपर्ट्स हैं आपको जो बताते हैं कि इस खाने के आइटम में इतना पोषण है? चूँकि अक्षय पात्र पूरा वेजिटेरियन खाना ही उपलब्ध कराता है, तो क्या आप लोगों के मेन्यू में रहता है और किस तरीके से आप ये डिसाइड करते हो कि कितना किसमें कैलोरी और ये सारी चीज़ें हैं? जो हमारी जो रेसिपी जो डिज़ाइन होती है उसके लिए पर्टिकुलर एक विभाग है हमारे पास, डिपार्टमेंट है, वो पूरा रेसिपी डिज़ाइन करता है। उसके अंदर जैसे लाइक एक स्वीट दलिया बनना है तो दलिया में खाली दलिया ही नहीं, दलिया के अंदर उसको जैसे हम पीनट डालते हैं, कोकोनट डालते हैं, तो उससे उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो और बढ़ जाता है। जैसे हम सब्जी कुक करते हैं तो सब्जी में कितने मात्रा में जैसे लाइक अपना दाल है, तो दाल का जो मिड डे मील का नॉर्म्स बोलता है कि प्राइमरी बच्चे को 20 ग्राम दाल मिलना है, अपर प्राइमरी बच्चे को 30 ग्राम मिलना है, ऐसे सब्जी 50 ग्राम 75 ग्राम, वो पूरा मिड डे मील का नॉर्म्स हम लोग उसको फॉलो करते हैं। उसी के आधार पे हमारा ERP सिस्टम हम लोग एक यूज करते हैं। ERP में हम संख्या डालते हैं तो पूरा रेसिपी के अकॉर्डिंग जो मटेरियल है वो कैलकुलेट होकर उतना मटेरियल जो स्टोर वाला है प्रोडक्शन वाले को इशू करेगा, प्रोडक्शन वाला उसी के अकॉर्डिंग उसको कुक करेगा, तो किसी भी प्रकार का डेविएशन इसमें नहीं आता है कि आज कोई अलग दाल बन गया। तो पूरा रेसिपी के अकॉर्डिंग और पूरा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमारा कुकिंग होता है। आप इतना बड़ा किचन चला रहे हैं, खाना बनाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, जैसे होटल्स में शेफ होते हैं खाना बनाते हैं, वैसे ही अक्षय पात्र में क्या एक्सपर्ट लोगों को कहीं से हायर किया गया है या कोई भी आपकी मशीन को ऑपरेट कर रहा है? जो हमारी मशीनें हैं वो इजीली कोई भी ऑपरेट कर सकता है, और हमारी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है, जो भी हम स्टाफ पहले हायर करते हैं उसको हम ट्रेनिंग के लिए पहले से चल रहे होते हैं किचन पे भेजते हैं, वहाँ पे वो पूरा ट्रेनिंग एक महीने का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद में हम लोग अगेन ट्रायल करते हैं। इस किचन की भोपाल की बात करें तो हम यहाँ से पिछले 1.5 साल से कम्युनिटी फीडिंग यहाँ पर 2,000 लोगों को हम लोग बना के और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पूरे भोपाल में, तो जिससे क्या है कि पूरा प्रोसेस जो है खाना बनना, प्रिक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब चीज़ें एकदम पुख्ता हो जाती है। मेरा एक सवाल और है, कभी कभी फुल अटेंडेंस बच्चों की नहीं होती, आपने बोला 70% अटेंडेंस पे हम लोग खाना जो है मुहैया कराते हैं, कभी कभी वो 70% भी नहीं होती और आपका खाना बच जाता होगा, तो वो कहाँ आप भेजते हैं या उस खाने का क्या करते हैं? देखिए, हम पूरा मॉनिटरिंग रखते हैं कि वेस्ट कम से कम हो, और फिर भी अगर कोई खाना बच जाता है तो हम लोग उसको, हमारा जो टाइप रहता है नगर निगम और पिगरी वालों से, तो वो उनकी गाड़ियाँ आके उनको ले जाके उसको डिस्पोज करती हैं। इसके अलावा भी यहाँ अक्षय पात्र किचन से कोई और प्लान है मिड डे मील के अलावा बच्चों को, या कहीं और खाना उपलब्ध कराने का? नहीं नहीं, फिलहाल मिड डे मील में ही हम लोग स्कूलों में ही इससे खाना जाएगा। इसे भविष्य में हम लोग देखेंगे, अगर कोई कम्युनिटी फीडिंग अगर शुरुआत कर पाए तो ज़रूर करेंगे।
जैसा कि वीरेन जी ने अभी बताया कि ये किचन दो पार्ट में बटी हुई है, एक वेट है और एक ड्राई है। तो ये मेरे इस साइड में जो आप देख रहे हैं ये वेट मशीन्स हैं, यहाँ पर राइस और दाल और दलिया बनता है। और मैं अब आपको ड्राई मशीन्स की तरफ दिखाना चाहूँगी कि ड्राई मशीन जो इस तरफ है वहाँ पर चपातियाँ बनती हैं। और लगभग 51,000 बच्चों को यहाँ से मिड डे मील के में खाना उपलब्ध कराया जाता है। और अक्षय पात्रा फाउंडेशन की कोशिश ये रहती है कि वो पौष्टिक भोजन जो है वो बच्चों को उपलब्ध करा पाए। मैं शेफाली गुप्ता, कैमरामैन अफजल के साथ दखल न्यूज़ भोपाल। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।